सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासर हुमायूं सरफराज ने यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा का एक रोज़ा दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जकरिया जाकर के हमरा यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा के 9 तामीराती पीएचडी ब्लॉक का इफ्तिताह किया और यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा के 14वें सिंडिकेट इजलास की सदारत की। बादशाह सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब मैडम इरम बुखारी और वाइस चांसलर डॉक्टर जकरिया जाकर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा यासर हुमायूं सरफराज का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा तरक्की की जानिब गामजन है। काफ़ी खूबसूरत कैंपस डेवलप हो रहा है, बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इस यूनिवर्सिटी में बहुत पोटेंशियल है। ये हमने HEC को लिख के भी भेजा था कि ये एक डिविजनल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बनेगी और बड़े साइज़ की यूनिवर्सिटी बन जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक तो ज़मीन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट ईयर मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेसिफिकली ओकाड़ा यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया जाए फेडरल फंडिंग के लिए। उन्होंने इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर जकरिया जाकर की यूनिवर्सिटी के लिए खिदमात को सराहा। वाइस चांसलर साहब जो हैं वो सिंडिकेट की इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट मीटिंग्स की रिक्वेस्ट आज तक कभी नहीं आई जितनी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की आती है। सबसे ज़्यादा मीटिंग्स इसी यूनिवर्सिटी की हुई हैं और ये बड़ी अहम होती हैं। अक्सर अगर वाइस चांसलर अवॉइड करें सिंडिकेट को तो यूनिवर्सिटी तरक्की नहीं करते। वाइस चांसलर डॉक्टर जकरिया जाकर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा को बेहतरीन तालीमी इदारा बनाएंगे। इंशाल्लाह हम इसको मजीद बेहतर बनाएंगे। विदाउट मेकिंग टॉल क्लेम वी आर वर्किंग और इंशाल्लाह दिस इज नेशंस जिसे कहते बेस्ट यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह इन द इयर्स टू कम में बनेगी। राजा यासर हुमायूं सरफराज ने यूनिवर्सिटी के तामीराती कामों का जायजा भी लिया। कैमरा टीम के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज, UO मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा।